एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी मैथमेटिक्स की क्लास में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड देखेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 4.3 ऑलरेडी का क्वेश्चन 1 ऑलरेडी कर रखा है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि हमारा टारगेट है कि आपका हाई स्कूल में 100% मार्क्स का हमने टारगेट लेके चला है, तो आप प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको यहाँ पे एक हर क्वेश्चन एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपको मैथमेटिकली सपोर्ट किया जाएगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट, हमारे फेसबुक अकाउंट पर आप जाके वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं और आपको तुरंत वहाँ पर जवाब मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन सेकंड। कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था, एक बार में क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस पर लिख देता हूं। हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन टू है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो ये बोल रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हमने सॉल्व किया था स्क्वायर मेथड से, अब उससे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, इसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो चलिए हम कंपैरिजन कर लेते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो ए हमारा आ जाएगा टू, बी हमारा आ जाएगा माइनस सेवन और सी हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का थ्री। ठीक है, कंपैरिजन कर दिया हमने। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, एक बार ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू सेवन, माइनस का सेवन क्योंकि यहाँ टू पॉजिटिव है और सी हमारा थ्री आ गया। अब हम ये जो वैल्यूज है हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक फार्मूला में रख देंगे। तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। ठीक है, रख देते हैं। तो ये माइनस है, माइनस बी, बी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का सेवन प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर होता है तो माइनस सेवन का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4 इंटू ए हमारा कितना है 2 और सी हमारा कितना है 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए हमारा कितना है 2। चलिए ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस ये 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये हमारा हो जाएगा 7 प्लस माइनस अपॉन 2 ए है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, एक्स, चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार यहां पे प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, क्योंकि हमारा देखिए यहां पे जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पावर 2 है तो इसके रूट्स भी 2 निकलेंगे। तो x हमारा क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव लेने पे क्या हो जाएगा, x हमारा x इक्वल टू 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 12 बाय 4 ये x हमारा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, हमने पॉजिटिव लिया तो क्या आया हमारा x 3 आ गया। तो जब हमने इसको स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था एक्सरसाइज को तो आपने देखा होगा कि हमारा x 3 आ गया। चलिए नेगेटिव ले लेते हैं तो x हमारा हो जाएगा 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, x हमारा हो जाएगा 2 बाय 4 और x यहां से निकल जाएगा 1 बाय 2। ठीक है, सॉल्व कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है, ये भी बताया हुआ है, हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया, ए बी सी की वैल्यू ले ली
एक्स हमारा, फिर हमने इसको जो एबीसी की जो वैल्यू है हमने वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रख दिया, उसको सॉल्व किया, तो हमारा एक्स के दो वैल्यू, एक्स एक तीन आया और एक्स वन बाय टू आया। क्वेश्चन सेकंड का, सेकंड देखते हैं क्या कहता है। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। चलिए हमारे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कंपेरिजन करेंगे तो ए हमारा टू हो जाएगा, बी हमारा वन हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा माइनस का फोर। ठीक है, ये वैल्यू रख देंगे हम अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। एक्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस का बी है तो ये माइनस का वन, प्लस माइनस बी हमारा कितना है वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, फोर ए कितना है हमारा टू और सी हमारा कितना है फोर, माइनस का फोर है डिवाइडेड बाई टू इंटू टू। चलिए माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, फोर टू जा एट टू जा ट्वेंटी, एट फोर जा थर्टी टू। ठीक है, चार दूनी आठ, आठ चौ बत्तीस, फोर टू जा एट, एट फोर जा थर्टी टू डिवाइडेड बाई फोर। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का वन प्लस माइनस रूट थर्टी थ्री डिवाइडेड बाई फोर। चलिए ये हमारा आ गया एक्स। अब क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार निगेटिव ले लेंगे, तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पे जब पॉजिटिव ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस रूट थर्टी थ्री बाई फोर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट थर्टी थ्री माइनस वन अपॉन फोर, ये हमारा एक्स आ जाएगा। ठीक है, निगेटिव ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन माइनस रूट थर्टी थ्री डिवाइडेड बाई फोर, यही आंसर हो जाएगा हमारा। बहुत सिंपल है, आप लोग खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं, खुद सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑलरेडी आपको दिया ही हुआ है, आपको बस कंपैरिजन करके एबीसी का वैल्यू निकाल देना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में राइट देना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। फिर कंपेरिजन कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा हमारा टू, बी हमारा क्या आ जाएगा वन और सी हमारा क्या आ जाएगा फोर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, थर्ड इसके बाद देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, माइनस बी एंड माइनस वन प्लस माइनस बी का वन का स्क्वायर वन माइनस फोर इंटू टू इंटू फोर डिवाइडेड बाई टू इंटू टू, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस फोर टू जाए एट फोर जो थर्टी टू डिवाइडेड बाई फोर, एक्स इक्वल चल रहा है, एक्स हमारा क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस माइनस अंडर रूट थर्टी वन डिवाइडेड बाई फोर। तो आप देख सकते हैं ये इमेजिनरी हमारा आ गया, कोई रियल इसके जो हमारा रियल इसके रूट्स नहीं है, इसीलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे और इसके यही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसके कोई रियल रूट्स नहीं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स फोर रूट एक्स रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो चलिए इसको भी कंपेरिजन कर देंगे अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा फोर, बी क्या हो जाएगा हमारा फोर रूट थ्री और सी हमारा क्या हो जाएगा थ्री। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इसका मैंने डेरिवेशन भी ऑलरेडी बता दिया है प्रीवियस वीडियोस में, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। चलिए तो बी हमारा क्या है, माइनस का फोर रूट थ्री प्लस माइनस फोर रूट थ्री का जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है फोर रूट थ्री का जब हम स्क्वायर करेंगे, आप इधर देख लीजिए, तो इसका जब करेंगे तो 16 हो जाएगा और इसका करेंगे 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 48 लिख लेते हैं, माइनस फोर ए कितना दिया हुआ है फोर, सी कितना दिया हुआ है तीन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू, ठीक सॉरी टू इंटू फोर है यहाँ पे, ए हमारा फोर दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा माइनस फोर रूट थ्री प्लस माइनस 48 माइनस 48 डिवाइडेड बाई एट। ओके चलिए इक्वल्स टू माइनस फोर रूट थ्री, ये जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाई एट,
ठीक, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से चला जाएगा, तो एक्स के जो हमारे दोनों वैल्यूज हैं वो सेम आएंगे, ये क्या हो जाएगा टू, यानी एक्स हमारा क्या आया -√3/2 और -√3/2, दोनों वैल्यूज सेम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें और आपके स्टडीज और अच्छी होती रहें। यहाँ पर क्लास 10 का फुल सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। हमारा टारगेट है 100% मार्क्स का टारगेट लेके चल रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म का फायदा उठाइए, जिसका नाम है ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। तब तक के लिए धन्यवाद।